सबको मोबाइल फ़ोन से आवासीय अप्लाई करना बताऊंगा यदि आप जानना चाहते हैं। यदि आप बिहार के निवासी हैं इस वीडियो को देख करके आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से आवासीय बना सकते हैं। आवासीय का काम हमेशा कभी ना कभी ज़रूर किसी न किसी को लगता है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ता। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको RTPS लिख करके सर्च कर देना। इस तरीके से हम आप सभी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे आप RTPS लिख करके सर्च किए, यहाँ पे पहला लिंक दिखाई देगा RTPS का, तो सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो RTPS है सर्विस प्लस वेबसाइट, ये आप सभी के सामने में ओपन हो जाएगा। इसका इंटरफेस इस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं सामान्य प्रशासन विभाग, सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। और पहला ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहा है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गम, तो सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक करने। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिखा दे रहा है, तो ज़्यादातर केस में यहाँ पे अंचल स्तर पर ही अप्लाई किया जाता है, तो आपको अंचल स्तर के ऊपर में क्लिक कर देना। या फिर कोई इसी दूसरे तरीके से आप करना चाहते हैं तो वो भी लिंक आप सभी को उसी जगह पर देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो आपके सामने में डिटेल्स ओपन होगा, तो सबसे मेन चीज़ जो इसमें आपको जल्दी से जल्दी फिल करना है। यदि आप फॉर्म भरने में लेट कर दीजिएगा तो फिर आपका आवेदन इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो एक बार पहले आपको फॉर्म भरने से पहले बता देता हूँ किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें आवेदक का नाम, मतलब जिसके नाम से आप बनाना चाहते हैं, आधार कार्ड आईडी है, आधार कार्ड पे जो भी नाम है वही नाम आपको इस पर रखना है। जो थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, थ्री डॉट के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप साइट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का डिटेल्स आप सभी के सामने में आ जाएगा। यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं आपको इंग्लिश में लिखना है, इस साइड में आपको हिंदी में लिखना है। यहाँ पे देख रहे एप्लीकेंट जिसके नाम से बनाइएगा उसका यहाँ पे नाम रहेगा, फिर यहाँ पे फादर का नाम रहेगा, इस साइड में हिंदी में फादर का नाम रहेगा, इस साइड में माँ का नाम रहेगा, इस साइड में फिर हिंदी में माँ का नाम रहेगा। इसमें यहाँ पे हस्बैंड का नाम देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पे बिल्कुल खाली छोड़ देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ कंपलसरी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, अनुमंडल, प्रखंड, उसके बाद ग्राम पंचायत, वार्ड नंबर जो आधार कार्ड पे वो आपको देना है, उसके बाद ग्राम का नाम, उसके बाद फिर पोस्ट ऑफिस का डिटेल्स, थाना आपको सेलेक्ट करना, पिन कोड यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करके अटेस्टेड फोटो आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है, नंबर नहीं देना है। यदि आप यहाँ पे आधार नंबर वगैरह दे देते हैं फिर आपका अप्लाई करने में दिक्कत होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अस्थाई के ऊपर में क्लिक कर देना है। अस्थाई के ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उसको फिल करके प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेड के ऊपर में क्लिक कर देते हैं उसके बाद फिर अगला जो स्टेप आएगा जिसमें कि आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारा प्रूफ जिसमें दिया हुआ जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस साइड में हम इंग्लिश में लिख चुका है, यहाँ पर यदि आप हिंदी में नहीं लिख पाते तो अपने मोबाइल फ़ोन का जो कीबोर्ड है उसको आपको चेंज करके हिंदी कर लेना है और हिंदी में ही आप सारा डिटेल्स भर अपना पूरा डिटेल्स फुलफिल कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से जैसे प्रोसेड कीजिएगा तो सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे अटैच एनेक्सर के ऊपर में क्लिक कर देना। यदि कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो एडिट के ऊपर में क्लिक करके फिर से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अटैच एनेक्सर के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से अगला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दस्तावेज डॉक्यूमेंट के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा देख रहे इतना सारा डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है तो आप आवासीय बना सकते हैं। ऐसा सबसे आसान तरीका होता है कि आधार कार्ड, यदि इनकेस आपके आधार में किसी तरीके का नाम वगैरह कुछ चेंजिंग है तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और भी काफ़ी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, यदि आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर में क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट कर, यहाँ पे आपको फाइनली सेव एनेक्सर के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप सेव एनेक्सर के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से फिर से आपका सारा डिटेल्स दिखाई देगा। अब यहाँ पे फाइनली आपको जो सबमिट बटन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। इस तरीके से आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, प्रिंट निकाल करके रख सकते हैं। इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे वापस आपको RTPS लिख करके सर्च कर देना। इस तरीके से इसका इंटरफेस आप सभी के सामने में देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आप सभी को देखने को नागरिक अनुभाग वाला जिसमें कि आवेदन की स्थिति देखें, सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल्स इसमें फिल करना है। यहाँ पे आप अपना डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला स्टेप आएगा जिसमें आपको अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद यदि ये आवेदन आपका क्लियर हो जाता है तो आपको वहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा, आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन सही लगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के लिए और भी नया इन्फॉर्मेशन ला सको। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।